हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका SST टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले आता है हमारा सेल्फ सर्वे। नेम द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। नेम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब गवर्नमेंट में आते हैं। वी नीड फ्यू बेसिक थिंग्स सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। दीज आर इंक्लूडेड एज सिविक एमिनिटीज और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। द गवर्नमेंट ऑफ आर कंट्री प्रोवाइड्स दीज सिविक एमिनिटीज टू द पीपल। अ गवर्नमेंट हैज मैनी फॉर्म्स, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डेमोक्रेसी एट्सेट्रा। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। इन सबको हम सिविक एमिनिटीज या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं। अब जो हमारी गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की, वो प्रोवाइड करती है इन सिविक एमिनिटीज को हमारे लोगों को। जो एक गवर्नमेंट है उसके काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, डिक्टेटरशिप, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ये केवल तीन हैं। बातें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाई द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई दी पीपल। इन अदर वर्ड्स, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो हमारा इंडिया है उसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी एक सिस्टम है ऐसा जिसमें गवर्नमेंट रन करती है बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई दी पीपल। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है एंड टू द पीपल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इट हैज़ अ हेड स्टेट, द प्रेजिडेंट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर। अब जो हमारा इंडिया है वो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। इस स्टेट का जो हेड होता है वो होता है प्रेजिडेंट, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसे कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन इज एन एक्सरसाइज ऑफ चूजिंग बाय वोटिंग वन कैंडिडेट फॉर वन पोजिशन। इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन द गवर्नमेंट बाय कास्टिंग देयर वोट्स सीक्रेटली। एवरी इंडियन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज एलिजिबल टू वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। ही इज कॉल्ड अ वोटर। इलेक्शंस इज एन एक्सरसाइज जो कि चूज करती है हम बाय वोटिंग वन कैंडिडेट फॉर एक पोजिशन, कि एक पोजीशन के लिए हम एक कैंडिडेट चूज कर रहे हैं बाय वोटिंग, उसे इलेक्शन कहते हैं। इंडिया के अंदर जो पीपल हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं जो हमारी गवर्नमेंट रन करेगा, और वोट्स सीक्रेटली कास्ट होते हैं। आप जाते हो कि EVM मशीन्स पे वोट ही डालने अपने, और आपको फिर कहा जाता होगा कि अपना मनपसंद कैंडिडेट चुने। अब हर इंडियन जो 18 से ऊपर हो गया है उसको एलिजिबिलिटी है कि वो वोट डाल सके अपने कैंडिडेट का जो उसकी चॉइस का है, और जो बंदा वोट डालता है उसे कहते हैं वोटर, जैसे कि आप और मैं वोटर हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स एट टू लेवल्स, द सेंट्रल एंड द स्टेट। द होल एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शन इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVMs आर यूज बाई दी वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स। अब इलेक्शंस जो है हमारे कंट्री में वो हर 5 साल में होते हैं, चाहे वो फिर स्टेट के हों या फिर वो सेंट्रल के हों। स्टेट यानी हमारा जो चीफ मिनिस्टर होता है, सेंट्रल यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। अब दिस होल एक्सरसाइज जो है हमारी ये इलेक्शन की, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंट्रोल और मैनेज करी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVMs जो होती हैं वो यूज़ करी जाती है बाई वोटर्स ताकि वो वोट कास्ट कर सकें अपना। एवरी इंडियन चूजेज एन MLA टू रिप्रेजेंट हिम हर एट द स्टेट लेवल। ही शी ऑल्सो चूजेज एन MP टू रिप्रेजेंट हिम हर एट द सेंट्रल लेवल। अब हर एक सिटीजन ऐसा होता है जो एक MLA चूज करता है ताकि वो रिप्रेजेंट करे उस सब सिटीजन को स्टेट लेवल पे, और वही जो बंदा स्टेट लेवल पे एज अ MLA बैठा है वो एक MP चूज करता है ताकि उसको रिप्रेजेंट करा जाए सेंट्रल लेवल पे। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज फॉर ईजी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ईच ऑफ दी स्टेट्स हैज़ अ स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्न इट। अब इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है ईजी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब इन सभी स्टेट्स में हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है गवर्न करने के लिए। देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल।
इट गवर्न्स द होल कंट्री ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नेंस आर वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, ये पूरी कंट्री को ग्रो करती है, पूरी कंट्री को ये अपने कब्जे में लेके रखती है और नेशनल इंपॉर्टेंस देती है। इसकी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नेंस की वो वेल डिफाइंड है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस बुक में, जिसका हमारा इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है, प्रीएम्बल, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियाज गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, द लेजिस्लेचर दैट मेक्स द लॉज, द एग्जीक्यूटिव दैट इन्फोर्सेज द लॉज, एंड द जुडिशरी दैट मेक श्योर दैट द लॉज आर ओबेड। अब इंडिया जो है उसके अंदर गवर्नमेंट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में ये होता है कि जो हमारे लॉज बनाता है, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को एनफोर्स करता है कि वो लॉज फॉलो हम करेंगे, और जुडिशरी मेक श्योर करता है कि वो लॉज को हम ओबे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इज इन न्यू डेली। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। अब जो हमारा लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ है जो कि न्यू दिल्ली में है। हमारे पार्लियामेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, राज्यसभा एंड लोकसभा। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। द प्रेसिडेंट चूजेज द प्राइम मिनिस्टर हु हैज मोस्ट ऑफ द पावर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्प द प्राइम मिनिस्टर। अब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनी हुई होती है, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के, और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बैठे होते हैं। अब जो हमारा प्रेसिडेंट है इंडिया का वो 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ होता है, और प्रेसिडेंट ही चूज करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उस पर सबसे ज़्यादा पावर्स होती है। ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से चूज कर लिया, प्रॉपरली जो हमारी पार्टी जीतेगी उसके अंदर फिर जो पार्टी में से इंसान को वोट मिलेंगे उसको हम कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। द जुडिशियल ब्रांच इज मेड अप ऑफ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो हमारी जुडिशियल ब्रांच है वो कोर्ट्स की बनी हुई है इंडिया के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है। अब जो हमारा चीफ जस्टिस है इंडिया का वही हमारे सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बींग पास्ड बाई द पार्लियामेंट इफ इट थिंक्स दैट द लॉ इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो एक सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो कोई सा भी लॉ को पास करने से पहले पार्लियामेंट को रोक सकता है। कब? तब उसको लगे कि ये लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये थोड़ा क्लैश कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बातें हैं लेजिस्लेचर पे, क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लॉज फॉर द स्टेट आर मेड अप बाई दिस स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। सम स्टेट्स 6 हैव 2 हाउसेज फॉर लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अदर 22 स्टेट्स हैव ओनली 1 हाउस, द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे स्टेट के लॉज होते हैं वो इन लेजिस्लेटिव बॉडीज के थ्रू बनाए जाते हैं, जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया है। अब 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 लेजिस्लेचर हाउस हैं, जिनमें से एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बाकी जो अदर 22 स्टेट्स हैं वहाँ पे केवल एक ही हाउस है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। आते हैं एग्जीक्यूटिव पे, द स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज हेडेड बाय अ गवर्नर हु रिप्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। अब जो एक हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है वो हेड बाय अ गवर्नर होता है, जो प्रेसिडेंट का एक रोल निभाता है स्टेट में। एक तरह से अब ये मान लीजिए इंडिया का प्रेसिडेंट एंड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी स्टेट में जो एक प्रेसिडेंट होता है उसे हम गवर्नर बोलते हैं, और जो स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होता है उसे हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। जुडिशरी, Every state has a high court to administer justice in the state. The high court occupies the top position in the judicial administration of the state. The judges of a high court are appointed by the president of India. अब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। एक हाई कोर्ट सबसे टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्टेट में, और जो इस कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, चैप्टर को करते हैं, टाटा बाय बाय।
तो फर्स्टली इसमें आते हैं हमारे पास झारखंड द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर वन है, इन इंडिया द वोटर्स एज मस्ट बी एटलीस्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 18 ईयर्स। सेकेंड है, डैश इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डैश ब्रांच इज मेड अप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द पर्सन हु कास्ट वोट इज कॉल्ड अ वोटर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज टू कास्ट वोट्स, इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, इंडिया इज डिवाइडेड इन टू 28 स्टेट्स। बेसिक्स आंसर है, बेसिक्स से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। अ हॉस्पिटल इज अ सिविक एमिनिटी, ट्रू। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ट्रू, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इंटू लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल ट्रू है, दो सभाएं हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। तो गाइज इसी के साथ मैं यहाँ पे चैप्टर करता हूँ फिनिश, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से मेरे साथ आगे बढ़ते रहें चैप्टर्स में। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर।